आज मन हो रहा था कुछ डिफरेंट खाने का, तो आज हम घर पे ही बनाएंगे हाई प्रोटीन बंस, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही फटाफट से बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे म्योनी म्योनी हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लेंगे। इसके बाद मैंने लिया है पिज्ज़ा सॉस 2 बड़े चम्मच और सेजवान चटनी 1 बड़ा चम्मच। सेजवान चटनी का रेशियो मैंने कम रखा है क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं मेरे घर में, तो वो खाने वाले हैं। तो ये आप चाहे तो 2 टेबल स्पून इसको कर सकते हैं, और इसको आपस में हम इन सारी सॉसेस को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारी बहुत टेस्टी सी एक सॉस रेडी हो जाएगी। तो इसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पे फ्रेश पनीर। पनीर मैंने यहाँ पे लगभग 100 या 150 ग्राम लिया है। आप ये जितना बंस बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी इसकी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, बहुत बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए, थोड़े छोटे ही पीसेस रखे हैं। और ये जो हमने सॉस बना के रेडी करी थी मिक्स करके, इसी में हम ये सारे जो पनीर के पीसेस हैं सारे इसमें डाल के इनको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे कि ये जो पनीर है ना इन सब पे इन सब की कोटिंग सॉस की हो जानी चाहिए। तो ये देखिए धीरे धीरे मैंने इन सबको बहुत अच्छे से कोटिंग कर दिया है। तो इसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पे बर्गर बन्स। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने अभी 2 बर्गर बन्स ले लिया है, और इनको हम बहुत सेफली बहुत ही आराम से बीच में से कट करके इनके 2 पीस कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये नाइफ से हमें करना है। तो ये मैंने यहाँ पे एक बन से ही 2 पीस इसके बना लिए हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरे जो बर्गर बन स्टार्ट मतलब बन के तैयार हो जाएंगे वो 4 बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पनीर और सॉस को मैंने मिक्स करके रखा था इसको इस पर अच्छे से कोट कर देंगे, कहीं पे भी खाली नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से इसको कोट कर देंगे, मतलब पूरा इसको फिल कर देना है, कहीं से भी खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑर्गेनो। आप चाहे तो ऑर्गेनिक के साथ साथ यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि हम थोड़ा कम तीखा रखेंगे। और इस पे मैंने यूज़ किया है डाइस चीज़। तो डाइस चीज़ इस पे हम यूज़ करें इसको अच्छे से, हम पूरा जितना आपको चीज़ पसंद है उतना चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे घर में चीज़ काफ़ी पसंद करते हैं, तो मैंने इसको अच्छे से कोट कर दिया है चीज़ से। तो यहाँ पे हमारे बर्गर अब सेकने की तैयारी है। तो इसके लिए मैंने जो कढ़ाई ली है थोड़ी बड़ी ली है कि जो हमारे बर्गर्स हैं वो इसमें इजली सेट हो पाए। तो इसमें मैंने डाला है बटर। बटर के साथ ही मैंने थोड़े से इसमें डाल दिए हैं सफ़ेद तिल। तो इसके ऊपर अब हम ये जो बर्गर्स है अपने सेट करके अच्छे से रख देंगे। तो अभी ये मेरे 3 बर्गर्स ही इसमें आए हैं, तो इनको हम अच्छे से जिससे कि नीचे इसमें बटर लग जाए इसको अच्छे से हिला के इसको रख देंगे। तो ये अब बस हमें वेट करना है 10 मिनट का। तो 10 मिनट के बाद हमारे ये जो प्रोटीन बन्स है ये बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए लग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा डिलीशियस खाने में, यकीन मानिए ये जितने ज़्यादा देखने में अच्छे लग रहे हैं खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी और यमी है। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं। तो ये हमारा जो आप इसे पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं, इसको पनीर बन्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल दिया है, इसका टेस्ट रियली में बहुत अच्छा आता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।